हमें आज से ही शुरू करना है। समय का इशारा भी कल गुरुवार था, भोग के संदेश में भी मिले हैं, वो आपको बाद में सुनाएंगे। समय समीप आ रहा है और सभी संदेश में एक ही इशारा है, अव्यक्त फरिश्ता बनना। और कल बाबा ने भी वही इशारा दिया, उसकी विधि बताई है, तो ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने विशेष हम बच्चों को कर्म करते हुए याद के चार्ट को बढ़ाने के लिए कहा। पहले बाबा ने स्नेह को याद किया, स्नेह क्या कमाल करता है। फिर बाबा ने कहा कि आज का स्मृति दिवस है। स्मृति दिवस सिर्फ ब्रह्मा बाप के स्मृति का दिवस नहीं है, लेकिन बाप दादा कहते हैं आज और सदा यह याद रहे कि बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही आदि से अब तक क्या क्या स्मृतियाँ दिलाई। 18 जनवरी का दिन था ना, तो बाबा ने कहा पहला होमवर्क आदि से लेकर अब तक क्या क्या स्मृति दिलाई है, यह स्मृतियों की माला याद करो, इस पर वर्क करना है। माला बनाओ डायरी में सारी स्मृतियाँ, स्मृतियाँ माना स्वमान, बहुत बड़ी माला बन जाएगी। सबसे पहली स्मृति, पहला पाठ याद है मैं कौन हूँ, इसी स्मृति ने ही नया जन्म दिया, वृत्ति दृष्टि स्मृति परिवर्तन कर दी। ऐसी स्मृतियाँ याद आते ही रूहानी खुशी की झलक नैनों में और मुख में आ जाती है। पहला होमवर्क स्मृतियों की लिस्ट निकालना, फिर उसको याद करते रहना। फिर उसी से कनेक्टेड दूसरा होमवर्क भी बाबा दे रहे हैं। फिर बाबा ने मिसाल दिया, ब्रह्मा बाप सामने आते ही बाप की दृष्टि पड़ते ही आत्माओं में समर्थि आ जाती है, चाहे साकार रूप में देखा चाहे अव्यक्त रूप की पालना से पलते अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते हो। सेकंड में दिल से बाप दादा कहा और समर्थि आ गई। इसलिए ओ समर्थ आत्माएं, अब अन्य आत्माओं को अपनी समर्थि से समर्थ बनाओ। पहला होमवर्क स्मृति, स्मृतियों से समर्थि आएगी और अपनी समर्थि से दूसरों को समर्थ बनाना है। फिर बाबा ने कहा अब कल से शिवरात्रि तक चारों ओर के बच्चों को, ये भी समय अनुसार है नोट करना, फिर कोई समय नहीं आएगा सेवा का, बचेगा नहीं, इशारा मिला। भले रिवाइज कोर्स की मुरली, लेकिन ये समय अनुसार इशारा है। चारों ओर के बच्चों को कहते हैं यह विशेष दिन यही लक्ष्य रखो, ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं को मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा, किसी भी विधि से संदेश रूपी अंजलि ज़रूर देना है। अपना उलहना उतार दो आज से लेकर शिवरात्रि तक, कोई बाकी नहीं रहे। सबको कह दो भगवान आ गया है, मैसेज बना के सबको सेंड कर दो, ये सबसे अच्छा तरीका है। और भी तरीके ढूंढना। दूसरा होमवर्क। फिर बाबा ने कहा संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। बाप दादा ने देखा अमृत वेले मेजोरिटी की याद और ईश्वरीय प्राप्तियों का नशा अच्छा रहता है, लेकिन कर्म योगी की स्टेज में जो अमृत वेले का नशा है उसमें अंतर पड़ जाता है। कारण क्या? कर्म करते सोल कॉन्शियस और कर्म कॉन्शियस दोनों रहता है। इसकी विधि है, बहुत सुंदर विधि बताई, सारे ज्ञान का सार बाबा ने स्पष्ट किया है। मैं आत्मा
कौन सी आत्मा? वह तू जानते हो, भिन्न भिन्न स्वमान आत्मा के मिले तो आगे का होमवर्क आ गया स्मृतियों का, उसी को मिला दो। ऐसी आत्मा करावन हार होकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूँ। अभी भी बैठे एक स्वमान में बैठ जाओ, मैं पवित्र आत्मा इस कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ। वैसे पूरे दिन में अलग अलग स्वमान कर्म करते रहो या एक ही स्वमान एक दिन। यह कर्मेंद्रिया कर्मचारी है, क्या सोचना है? ये कर्मेंद्रिया कर्मचारी है, लेकिन कर्मचारियों से कर्म कराने वाली मैं करावनहार न्यारी हूँ। तेसे न्यारा। फिर एग्जांपल, मिसाल, क्या लौकिक में भी डायरेक्टर अपने साथियों से निमित सेवा करने वालों से सेवा कराते, डायरेक्शन देते, ड्यूटी बजाते भूल जाता है कि मैं डायरेक्टर हूँ? भूलता है। तो अपने को करावनहार शक्तिशाली आत्मा हूँ यह समझकर कार्य कराओ। हुआ स्पष्ट? तुरंत करावनहार आत्मा कार्य करा रही हूँ। अब मैं कानों से सुनने का कार्य कर रही हूँ, लिखने का, देखने का। देखो, निरंतर आत्मा की स्मृति, और जहाँ आत्मा की स्मृति है वहाँ बाप है ही। याद, एक एक कर्म में बैठे हो, यहाँ से उठेंगे, बाहर जाएंगे, सीढ़ी उतरेंगे, एक एक कर्म में ये ब्रह्मा बाबा ने किया था। यह आत्मा और शरीर, व करणहार व करावनहार। शरीर करणहार है, आत्मा करावनहार है। यह स्मृति मर्ज हो जाती है, बस यही भूल होती है, भूल जाते हैं। आप सबको, पुराने बच्चों को मालूम है, अभी दूसरा एग्जांपल, कि ब्रह्मा बाप ने शुरू शुरू में क्या अभ्यास किया? देखो, भगवान सुना रहा है उसके बारे में। एक डायरी देखी थी ना, सारी डायरी में एक ही शब्द, मैं भी आत्मा, जसोदा भी आत्मा, यह बच्ची भी आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, देश देश देश। ऐसी मेहनत की है, करेंगे आज से? बाकी नहीं रखो संगम में, कोई भी मेहनत बाकी नहीं रखनी है। आज से सभी डायरी लिखना शुरू करो, सारे परिवार का नाम, ये आत्मा है, ये आत्मा है, आत्मा आत्मा आत्मा। एक डायरी तो भरे हम 15 दिन में, बीच में एक मास का होमवर्क मिला ना, कईयों ने किया, अच्छे अनुभव हुए, किए ना। अभी भी वो स्वमान लिखना चालू है 108 बार। आज से होमवर्क समय निकाल के करो, बड़ा मज़ा आएगा। और ये लेटेस्ट होमवर्क है, बाबा का वरदान मिलेगा, तथास्तु हो जाएगा। यह फाउंडेशन सदा का अभ्यास किया ब्रह्मा बाबा ने, उसने सोचा मेरे तो इतना 60 साल के बाद। तो यह पहला पाठ, मैं कौन है, इसका बार बार अभ्यास चाहिए। डायरी खरीद के जाना ना हो तो, लेकिन शुरुआत करना। कर लिया, बहुत अच्छा। नहीं तो वो भी बहाना मिलेगा, अरे करना था लेकिन घर में डायरी नहीं थी। चेकिंग चाहिए, ऐसे नहीं मैं तो हूँ ही आत्मा, पता है ना। अनुभव करे कि मैं आत्मा करावनहार बन कर्म करा रही हूँ। अनुभव, डीप एक्सपीरियंस। फिर प्रैक्टिकल,
करनहार अलग है और करावनहार अलग है। आत्मा अलग, शरीर अलग, आत्मा अलग, शरीर अलग। ब्रह्मा बाप का दूसरा अनुभव भी सुना रहे हैं कि यह कर्मेंद्रिया कर्मचारी है, तो रोज रात की कचेरी सुनी है ना, तो मालिक बन इन कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारियों से हालचाल पूछा है ना। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने ये अभ्यास फाउंडेशन बहुत पक्का किया, इसलिए जो बच्चे लास्ट में भी साथ में रहे उन्होंने क्या अनुभव किया कि बाप कार्य करते भी ये अभ्यास पक्का हो गया ना, फिर क्या स्थिति हो गई, कार्य करते भी शरीर में होते हुए भी अशरीरी स्थिति में चलते फिरते अनुभव होता रहा। ऐसे ही नहीं होगा, फाउंडेशन पक्का करना पड़ेगा, चाहे कर्म का हिसाब भी चुकतु करना पड़ा बीमारी के रूप में या तो समस्याओं के रूप में, लेकिन साक्षी हो न स्वयं कर्म के हिसाब के वश रहे, न औरों को कर्म के हिसाब किताब चुकतु होने का अनुभव कराया। आपको कि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो रहा है नहीं मालूम पड़ा ना, तो इतना न्यारा साक्षी अशरीरी अर्थात कर्मातीत स्टेज बहुत काल से अभ्यास की, सुना, बहुत काल से अभ्यास की, तब अंत में भी वही स्वरूप अनुभव हुआ। यह बहुत काल का अभ्यास काम में आता है, अंडरलाइन। अभी बहुत काल रहा नहीं है लेकिन फिर भी जितने दिन है हाथ में, ऐसे नहीं सोचो कि अंत में देहभान छोड़ देंगे, नहीं, बहुत काल का अशरीरीपन का देह से न्यारा करावनहार स्थिति का अनुभव चाहिए। अभी भी प्रैक्टिस करो, आत्मा सुन रही है, शरीर बैठा है, ये हर कर्म में करना पड़ेगा। अंतकाल चाहे जवान हो बूढ़े है, चाहे तंदुरुस्त है चाहे बीमार है, किसी का कभी भी आ सकता है, इसलिए बहुत काल साक्षीपन के अभ्यास पर अटेंशन दो। चाहे कितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आएगी, आएगी, तैयार है, लेकिन यह अशरीरीपन की स्टेज आपको सहज न्यारा और बाप का प्यारा बना देगी। आपदाएं चल रही होगी और आप तेजी न्यारे, इसलिए बहुत काल शब्द को बाप दादा अंडरलाइन करा रहे हैं। एक एक मिनट हमारा व्यर्थ न जाए, एक एक कर्म में अटेंशन। लास्ट, क्या भी हो, क्या भी हो, सारे दिन में साक्षीपन की स्टेज का, करावनहार की स्टेज का, अशरीरीपन की स्टेज का अनुभव बार बार करो, तब अंत मते फरिश्ता सो देवता निश्चित है। सुना, बाप समान बनना है तो बाप निराकार और फरिश्ता है। ब्रह्मा बाप समान अर्थात फरिश्ता स्टेज में रहना, जैसे फरिश्ता रूप साकार रूप में देखा, बात सुनते, बात करते, कारोबार करते, अनुभव किया कि जैसे बाप शरीर में होते न्यारा है,
कार्य को छोड़कर अशरीरी बनना, यह तो थोड़ा समय हो सकता, लेकिन कार्य करते समय निकाल अशरीरी पावरफुल स्टेज का अनुभव करते रहो। आप सब फरिश्ते हो, बाप द्वारा इस ब्राह्मण जीवन का आधार ले संदेश देने के लिए साकार कार्य कर रहे हो। अंडरलाइन, फरिश्ता अर्थात देह में रहते देह से न्यारा। और यह एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप को देखा है असंभव नहीं है, देखा अनुभव किया, जो भी निमित्त है, चाहे अभी विस्तार ज़्यादा है, लेकिन जितनी ब्रह्मा बाप की नई नॉलेज नई दुनिया बनाने की जिम्मेवारी थी उतनी अभी किसी की भी नहीं है। आ गया आंसर? फिर भी इतनी जिम्मेवारी होती ये बने तो हम क्यों नहीं। तो सबका लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना, शिव बाप समान बनना अर्थात निराकारी स्थिति में स्थित होना। बार बार अटेंशन सिर्फ देना है, साधारण जीवन नहीं है। साधारण जीवन जीने वाले बहुत है, बड़े बड़े कार्य करने वाले भी बहुत है, लेकिन आप जैसा कार्य आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवा और कोई नहीं कर सकता। क्लियर हुआ अब क्या कार्य करना है? अब यही करना है। तो आज स्मृति दिवस पर बाप दादा समानता में समीप आओ का वरदान दे रहे हैं। सभी हद के किनारे, चाहे संकल्प बोल, चाहे कर्म, चाहे संबंध संपर्क, कोई भी हद का किनारा, अपने मन की नैया को इस हद के किनारों से मुक्त कर दो। अंडरलाइन, अभी से जीवन में रहते हुए मुक्त, ऐसे जीवन मुक्ति का अलौकिक अनुभव बहुत काल से करो। सुना? ये था होमवर्क। क्लियर हुआ? इससे अभी और क्या क्लियर चाहिए? अब इसको बार बार रिवाइज करके अभी से ये होमवर्क शुरू कर दे। अच्छा, तो आज से सभी धूम लगा दे, आत्मा आत्मा डायरी में पक्का करो, ठीक है? चलो, शांति।